मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं मिला रही हूँ सॉल्ट यानी कि नमक। इसी के साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी मैक्रोनी। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब इसे ढक लेते हैं। फ्रेंड्स, अब मैक्रोनी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना फूल चुकी है, ये कुक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टेन कर लेंगे किसी छन्नी में और ठंडे पानी से इसे धो लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो दिया है ताकि ये चिपके ना एक दूसरे पे। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे और सारे ऑयल को अच्छे से पूरे में मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। अब मैंने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें हम ऑयल मिलाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें फाइनली चॉप अनियन यानी कि प्याज डाल देंगे। इसे गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च मिला लेंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से पकने देंगे। प्याज अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। आप याद रखिए कि हमने पहले भी बॉईल करते टाइम पे नमक डाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्ट डालिएगा। अब हम इसे ढक लेते हैं। एक मिनट हो चुका है टमाटर पकते हुए। अब हम इसमें मिलाएंगे शिमला मिर्च, मक्की के दाने, ये फ्रोजन है, और मटर। ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। चेक कर लेते हैं वेजीज को। हमारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ जस्ट फॉर कलर, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 2 स्पून पास्ता सॉस। इतना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें मिला लेते हैं मोज़रेला चीज़, ये मैंने ग्रेट करके रखा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम इसमें मिलाएंगे अपनी मैक्रोनी।
चीज़ कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, इसको 2 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला पास्ता रेडी है, या मसाला मैक्रोनी रेडी है। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला मैक्रोनी। तो ये बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है।